Hurriyat leader Sayyed Ali Shah Gilani has called for a band in Kashmir Valley to protest the arrest of separatist leader Masrat Alam. Speaking exclusively to NNIS, separatist leader Yasin Malik said it is a strike for religious unity which is very much needed. ये जो 30 घंटे की भूख हड़ताल है इसका एक ही मकसद है कि जो यहाँ बसने वाले लोग हैं चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं सिख हैं वो एक साथ रहे जिस तरह वो एक साथ मालूम में रहते हैं। जब आप कहते हैं कि हम अलग कॉलोनीज बनाएंगे इस अलग कॉलोनी की वजह से यहाँ नफ़रतें बढ़ेंगी ये नफ़रत की दीवारें होंगी और इस तरह ये बच्चे जो हैं मुसलमान और हिंदू बच्चे जब ये अलग अलग रहेंगे तो इनको एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी जब आप एक साथ रहे नहीं तो आपको कैसे प्यार पैदा होगा। मलिक सेड इट इज नाउ ऑन द गवर्नमेंट टू पुश द पीपल आइदर टुवर्ड्स पीस और वायलेंस। बच्चा जो होता है बड़ा इमोशनल और रोमांटिक होता है और आइडियलिस्ट होता है तो आप इसको दोबारा क्या बंदूक की तरह भेजना चाहते हैं। इसलिए हुकूमत हिंदुस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि क्या किस किस्म की स्पेस उनको नॉन वायलेंट मोमेंट के लिए प्रोवाइड करनी है या वो जिस तरीके से स्पेस चोक हो रही है तो आप इन बच्चों को कहाँ किधर की तरफ धकेल। पावर्ड बाय NNIS।